भारत के खिलाफ अमेरिका से खरीदे गए F-16 फाइटर जेट प्लेन, उसके इस्तेमाल पर पाकिस्तान बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जांच बैठाने के बाद पाकिस्तान ने भारत द्वारा सबूत जुटलाना अब शुरू भी कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है भारत अपने इलाके में गिरे F-16 की मिसाइल को जिस सबूत के तौर में पेश कर रहा है वो अमेरिका द्वारा ताइवान को बेची गई मिसाइल हो सकती है। पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट में इससे जुड़ी डॉक्यूमेंट्स भी पेश किया गया है। हालांकि ताइवान ने ऐसी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 बेचे जाने शर्त में इसे सिर्फ आतंकवादी काम में लिए जाने की शर्त थी। यही वजह है पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 फाइटर प्लेन की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय सरजमी पर F-16 की बात साबित हो जाती है तो उसे अमेरिका की तरफ से तगड़े एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने इलाके में पाकिस्तान द्वारा F-16 के इस्तेमाल में पक्के सबूत के तौर पर एक अमेरिका मिसाइल पेश की थी। भारत ने यह दावा किया था कि इस मिसाइल को पाकिस्तान के F-16 ने यूज किया था। ये सिर्फ एक ऐसी मिसाइल थी जो सिर्फ F-16 में लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के एक अखबार एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका द्वारा ताइवान को बेची गई मिसाइलों में एक हो सकती है। ताइवान की तरफ से अपडेट आई है, उसने पाकिस्तान को एक छोटा करार दिया है और ताइवान की एयरफोर्स ने कहा है कि इसने कोई भी अमेरिकी मिसाइल भारत को ट्रांसफर नहीं की है। ताइवान ने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा यूज की गई F-16 मिसाइल उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके मौजूद मिसाइलों में से मेल नहीं खाता है। ये मामला इतना गंभीर है कि अमेरिका ने भी इस पे जांच का आदेश दे चुका है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने F-16 विमान दिए थे, उसकी शर्त ये थी ये सिर्फ लड़ाकू विमान आतंकवाद के खिलाफ यूज किया जाएगा, ना कि पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद।